और अब अगली खबर का रुख करते हैं जो कि चिंता बढ़ाने वाली है। दिल्ली से सटे नोएडा में बढ़ते प्रदूषण के खतरे के बीच स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेशों को निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद आज सभी स्कूल कॉलेज पहले की तरह खोले जाने हैं। नए निर्देश गौतम बुद्ध नगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना आवश्यक है कि कल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के बाद गौतम बुद्ध नगर डीएम सुहास हलवाई ने 21 नवंबर तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रखने के निर्देश दिए थे और साथ साथ प्रदूषण को काबू करने के लिए कई और जरूरी निर्देश भी जारी किए गए थे। स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश के अलावा फैक्ट्री, डीजल जनरेटर और ट्रकों के आवागमन को लेकर निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें इमरजेंसी सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को छोड़कर दिल्ली की सीमा में ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक के लिए रोक के निर्देश हैं। स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेशों को छोड़कर बाकी चीजों पर रोक पूर्व निर्देशों के मुताबिक ही रहेगी। स्कूल कॉलेज को लेकर गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने क्या आदेश जारी किए थे, आइए आपको दिखाते हैं। एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को देखते हुए जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा भी निर्देश दिया गया है, उसके क्रम में जनपद के समस्त शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल हो, कॉलेज हो, समस्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अग्रिम आदेश तक बंद किया जाता है। ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग, ऑनलाइन से जो शिक्षण देने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। चलिए और ताजा स्थिति जान लेते हैं इस वक्त की क्या है। बलराम पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बलराम, अभी हम नोएडा के जिलाधिकारी सुहास हलवाई की बात को दिखा रहे थे, इसमें वो कह रहे थे कि प्रदूषण की वजह से ये निर्णय लिया गया है। इसके बाद ताजा स्थिति क्या है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब नया आदेश क्या जारी किया है और स्थिति रहेगी क्या असल में? बिल्कुल राजेंद्र, कल दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी ने बैठक की और बैठक में ये निर्णय लिया कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में प्रदूषण की स्थिति है, उसको कंट्रोल करने के लिए तत्काल अहम कदम उठाए जाएं और इसी कदम उठाने की कड़ी में 10 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए थे, जिसमें ये भी कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर के सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से 21 नवंबर तक बंद रहेंगे और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये निर्णय दिया था कि जो भी एनसीआर से जुड़े हुए जिले हैं वहां पर शिक्षण संस्थान 21 नवंबर तक बंद रहेंगे और उसी कड़ी में नोएडा के जिला अधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थानों को ये आदेश दिया था कि 21 नवंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने आदेश को वापस ले लिया और कहा कि जैसे पहले सामान्य रूप से शिक्षण संस्थान खुल रहे थे उसी तरह से खुलेंगे और उसके बाद फिर आदेश जारी हुआ और आज सुबह जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो खुले हुए हैं। हम इस वक्त एक निजी स्कूल के बाहर मौजूद हैं राजेंद्र जी, और आप देख सकते हैं कि स्कूल खुला हुआ है, जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ अभिभावकों ने इस आदेश को देखा है जिसके बाद उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजा है, लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने आदेश नहीं देखा, इसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो देर रात तक ये आदेशों का सिलसिला चला है उसकी वजह से आज सभी बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि कई अभिभावकों ने आदेश को पढ़ा है, कई अभिभावकों ने आदेश को नहीं पढ़ा है, इसीलिए उन आदेशों का पूरी तरह से पालन अगर कहा जाए तो नहीं हो पाया है। लेकिन आज क्या स्थिति होती है प्रदूषण को देखते हुए, क्या नए आदेश आते हैं या जो आदेश देर रात जारी किए गए थे उन्हीं आदेशों का पालन शिक्षण संस्थानों को करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति है उससे बच्चों को बेहद खतरा है, क्योंकि आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो बुजुर्ग हैं, जो सांस के मरीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यही वजह है कि जो डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर घरों में रहें, क्योंकि हवा बेहद दूषित है, बेहद खराब स्थिति में है, ऐसे में घर से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लगातार बीमारियां फैल रही हैं, ऐसे में अगर
वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी हानिकारक हो सकता है और यही वजह है कि और फिलहाल स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लिया है। हालांकि नोएडा के डीएम ने 21 नवंबर तक इनको भी बंद रखने के आदेश दिए थे। शुक्रिया बलराम, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।